बड़े अच्छे लगते हैं मैं, प्रिया ने कसम खा ली है कि वो राम को कुछ भी नहीं होने देगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि राम की कार कोई अनजाना आदमी चलाकर उसे ऑफिस छोड़ता है, जिसके बाद प्रिया काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इसके बाद दिखाया जाएगा कि राम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करेगा ताकि वो अपने फादर की डेथ के पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व कर सके, और वो इन्वेस्टिगेटर वही निकलेगा जो राम का ड्राइवर बनके उसे वॉर्न करने के लिए पहुंचा था, यानी कि क्रिश। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रिया राम को बचाने के लिए राम के पीछे पीछे आएगी और वो वहाँ पर क्रिश को खड़ा देखेगी, और क्रिश की बातें सुनकर प्रिया को ऐसा लगेगा कि वो राम को मारने की कोशिश कर रहा है या राम को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर प्रिया का एकदम ब्रेव वाला अवतार सामने आएगा और वो पीछे से आकर क्रिश पर अटैक कर देगी। इतने में राम भी वहाँ पर आ जाएगा और राम प्रिया से कहेगा कि उसने ये क्या किया, जिसके बाद क्रिश के मुँह से निकलेगा खड़ूस प्रिया सूद। राम ये सुनकर हैरान रह जाएगा। वहीं प्रिया भी क्रिश को पहचान लेगी। राम को समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। राम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि प्रिया और क्रिश एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और उसकी कंफ्यूजन और उसकी इनसिक्योरिटी यहाँ पर साफ नज़र आएगी, क्योंकि राम को वो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आएगी जो राम प्रिया के साथ तो नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि प्रिया की हर बात उसे पता हो, वो भी सबसे पहले।